ना होता है आपका, वो कंडक्शन और स्पोर्ट के अलावा कुछ और भी काम करता है, जिसमें हम क्या करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, फूड को बनाने का काम करता है। तो फूड में इसमें जो ग्रीन स्टेम्स होता है वो एनुअल प्लांट्स में, एनुअल जो साल में एक बार उगते हैं, उन पौधों में हरा तना होता है जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाता है। जैसे कैक्टस, कैक्टस में ना तो लीव्स होती, और जो ग्रीन स्टेम है वो सुकुलेंट होता है, सुकुलेंट का मतलब फ्लैशी, जो क्या बनाता है, फूड बनाता है। एक अपना स्टोरेज ऑफ फूड का काम भी करता है तना, तना कंडक्शन और स्पोर्ट के अलावा फूड को स्टोर करने का भी काम करता है। स्टोर करने में कौन से आते हैं, पोटेटो और आपके जिंजर, टर्मरिक और आपके ओनियन, अंडरग्राउंड स्टेम। और पेरिनेशन क्या होता है, पेरिनेशन का मतलब होता है जो पौधे एक फर्स्ट टाइम में तो नीचे उनकी रूट्स आए, सॉरी स्टेम ग्रो करें, और सेकंड टाइम में उनकी नेक्स्ट सीजन में उनके एरियल पार्ट्स आए, ठीक है, एरियल शूट बने, उनको क्या कहते हैं, पेरिनेशन कहते हैं। थर्ड जो इस, ये जो सेकंड अपना स्टोरेज फूड है, इसमें अलग अलग बातें बात इनके बारे में। तो पहले जैसे पोटेटो, पोटेटो जो होता है उसके अंदर मॉडिफाइड स्टेम ट्यूबर कहलाता है, इसके ऊपर छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं, उनको क्या बोला जाता है, आईज बोला जाता है, यही आईज आगे जाके एरियल शूट में कन्वर्ट होती है। जिंजर जो होता है वो मॉडिफाइड स्टेम होता है, मॉडिफाइड स्टेम उसका क्या कहलाएगा, रिजोम कहलाएगा, और इसमें नोड, इंटरनोड, बड और स्केली लीव आईज मिलेंगी। ग्लेडोली और जिमीकंद, ये एक प्रकार के बेटा फूल होते हैं, और ये जिमीकंद एक प्रकार की सब्जी होती है, हाथी के पैर जैसी, ठीक है। तो ये जो सब्जी, ये देखो मैं दिखा भी देती हूँ जिमीकंद आपको, देखो ये होती है। इनके अंदर अगर हम बात करें कि इनका जो मॉडिफाइड स्टेम है वो क्या होगा, तो मॉडिफाइड स्टेम इनका होता है बेटा कॉर्म, कॉर्म कॉर्म कहा जाता है, और ये राउंडेड होते हैं और कंडेंस होते हैं। इनकी लीव्स होती हैं, स्केली लीव्स होती हैं, और ये फूड को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर आता है जैसे ऑनियन, गार्लिक, लहसुन, प्याज लहसुन और लिली, ये जो होते हैं बेटा प्लांट, इनके मॉडिफाइड स्टेम जो है वो फ्लैशी होते हैं, फ्लैशी का मतलब पानीदार होते हैं, और इनके अंदर डिस्क मिलेगी आपको, ठीक है। जैसे ओनियन में आपने देखा होगा इस तरीके से डिस्क होती है ये, इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी इन डिस्क को ही हम क्या बोलते हैं, बल्ब। तो इसका मतलब इनका जो मॉडिफाइड स्टेम है वो क्या कहलाएगा, मॉडिफाइड स्टेम जो है इनका होगा बल्ब। ओनियन, गार्लिक और लिली के अंदर मॉडिफाइड स्टेम क्या कहलाते हैं, बल्ब कहलाते हैं, इनको हम बल्ब बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो वर्क है हम बताएं इसमें कि भाई और क्या स्टोर करता है, तो हम बात कर रहे थे इसमें स्पोर्ट की। हमारा जो तना है वो स्पोर्ट करता है, किसको स्पोर्ट करता है, आपने देखी होगी ग्रेप की बेल, देखी होगी अंगूर की, ठीक है, पैशन फ्लावर देखा होगा, वाइट कलर के फ्लावर आते हैं जिसके ऊपर, ठीक है। इनका जो तना है बहुत ही वीक होता है, पैशन रेडिश रेडिश से होते हैं बेटा, इनका क्या होता है, इनके ऊपर इनके जो तने होते हैं वो वीक होते हैं, और उनकी जो ब्रांचेज हैं वो थ्रेड जैसी होती है, थ्रेड का मतलब जैसे उनको हम टेंड्रिल्स कहते हैं, मॉडिफाइड थ्रेड स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स क्या होती हैं, वीक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। देखो जैसे ये रहा, ये टेंड्रिल्स है, ये देखो इसके अंदर जो घुमी हुई है ना, इसको हम टेंड्रिल्स बोलते हैं। और टेंड्रिल होते हैं बेटा दो टाइप की, एक होती है स्टेम टेंड्रिल और एक होती है लीफ टेंड्रल। जो पीज होते हैं ना मटर, उनके अंदर क्या मिलेगी, स्टेम टेंड्रल, और जो आपके मनी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मिलती है लीफ टेंड्रल, ठीक है। ये जो टेंड्रल्स हैं ये क्या करती हैं बेटा, ये एक्सियल लीव से निकल के आती है और कोइल कर लेती है, कोइल का मतलब जैसे ये राउंड करना, राउंड हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका तना है वो प्रोटेक्शन का काम भी करता है, प्रोटेक्शन का मतलब जैसे रोज हो आप में, लेमन है, बोगेनविला है, इनके ऊपर आपको क्या मिलेंगे, कांटे मिलते हैं, क्या मिलते हैं इनके ऊपर, थोर्न, थोर्न का मतलब क्या होते हैं, कांटे। ये कांटे जो हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल से, जो एनिमल इनको ग्रेज करते हैं ना, खाते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो तने पे ही तो हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं, तो ये चीज होती है। इसके बाद हम बात करेंगे, अब इसमें यहां तक जिसकी प्रॉब्लम है पहले वो बताए, फिर उससे आगे का पार्ट पढ़ाऊंगी। बताओ जिस बच्चे की इसके अंदर प्रॉब्लम है वो बताओ, फिर आगे का पढ़ाएंगे, आगे का थोड़ा सा हो रहा है अपना। बताओ है किसी बच्चे की अभी इसके अंदर प्रॉब्लम, अगर है तो हैंड रेज कीजिए अपना।
हैंड रेज करो बेटा जिसकी प्रॉब्लम है वो। वंशिका बताओ। ये एक प्रकार की सब्जी होती है बेटा, जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं ना उनके अंदर यूज की जाती है, उनके अंदर यूज की जाती है। ठीक है, जन्नत बताइए। जन्नत बोलो। बेटा फूड जो है ना, कुछ जो प्लांट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, उनके तने जो है ना वो फूड स्टोर करते हैं। जैसे आपने बताया आपका ये जो कैक्टस प्लांट है इसके अंदर लीव्स तो होती नहीं है, तो ये क्या करते हैं, इनके अंदर जो प्लांट का तना होता है वही फूड बनाता है, वो ग्रीन कलर का होता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है। क्लियर जन्नत? ओके, डाउन द हैंड्स। यस वंशिका, अगेन योर प्रॉब्लम टेल। वंशिका टेल। अच्छा नहीं थी प्रॉब्लम। भूमिका बोल बोलिए बेटा। यस आप बोलिए बेटा। सारे करने हैं मैंने आज, लॉन्ग रोड्स दिए हैं और कल जो है उसके वेरी शॉर्ट ऑफ बुक एक्सरसाइज दी थी, वो आपने कर ली होंगी। टेस्ट लूंगी मैं, मतलब थोड़ी देर बाद में ये रीड होते ही। अभी ये 6th क्लास। हाँ जी बेटा आप बताओ, जो मैंने 6th नाम डाला है, नाम बता पहले तो, तेरा क्या है नाम बताओ, क्या है आपका? अरे जिसने मेरे नाम से वो क्लास अटेंड कर रखी थी, नाम बताओ क्या है आपका? बेटा बोलते क्यों नहीं है, ये पता नहीं क्या आदत है आपकी, जवाब नहीं देते ना, तो आपने वीडियो ऑन कर रखी है लेकिन ना आपकी पिक्चर पिक्चर दिखा दी, और आप ये कह रहे हो प्लीज मैम अलाउड टू चैट, तो चैट तो तभी होगी ना जब आप बोलोगे कुछ। चैट अलाउ नहीं करूंगी मैं किसी को भी। यस भूमिका बताइए। ओके भूमिका ठीक है, अभी मैं आपसे क्वेश्चंस पुट अप करती हूँ क्योंकि 11:40 हो गए हैं, 20 मिनट है अपने पास, 20 मिनट में नया टॉपिक तो हो नहीं पाएगा। हाँ क्वेश्चंस जो है वो फिल करवा देती हूँ, उसके बाद में बात करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अपना, आंसर देना इसका, इसकी जो चेक पॉइंट 2 है वो फिल करनी दी थी आज में, सब बच्चों ने की। फर्स्ट चेक पॉइंट जो है ये मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगी वैसे तो। ये देखो बेटा, ने व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट, नेम क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं रूट्स की, हाथ उठा लीजिए जिनको पता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स, रेज योर हैंड्स। नहीं पता, जिनको पता है वो बताओ कि जड़ों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जड़ें क्या क्या कर सकती हैं। तनिष्क का आपको नहीं पता, गावक्षी बताएगी। यस गावक्षी बताइए बेटा। बिल्कुल, ये पानी की तरफ ग्रो करती हैं और वाटर की तरफ। इसके अलावा बताओ इसकी प्रॉपर्टी। वंशिका आप बताओ बेटा। अवे फ्रॉम सनलाइट, बिल्कुल ये भी इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, बिल्कुल सही बताया वंशिका ने। बिल्कुल इंटरनोड और नोड इसके अंदर नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्वेश्चन है, नेम एटलीस्ट 2 प्लांट विच हैव फाइब्रस रूट, ऐसे 2 प्लांट्स के नाम बताओ जिनके अंदर फाइब्रस रूट पाई जाती है। गावाक्षी बताओ आप। हाँ बताओ। वंशिका बताएगी। वीट और यस वीट, ग्रास, बार्ले, बिल्कुल सही है ये आपके। थर्ड क्वेश्चन है, इन विच प्लांट रूट मॉडिफाइड टू स्टोर फूड,
वो कौन सी रूट है जो अपने अंदर फूड को स्टोर करती है। बताओ किसको पता है। क्या बता रहे हो, समझ में ही नहीं आया क्या बताया आपने, दोबारा बोलो। बेटा नहीं, क्लियर नहीं हुआ। तनिष्क आप बताओ, तनिष्क बताओ बेटा, वो कौन सी रूट है जो अपनी बॉडी में फूड स्टोर करती है। हाँ जी, वेजिटेबल्स के नाम बताने हैं। तनिष्क बताओ वो कौन सी रूट है। करेक्ट है, कैरेट, बीट रूट, कैरेट एंड बीट रूट, बिल्कुल करेक्ट बताया तनिष ने। देखो तनिष के पास बुक भी नहीं है ये वाली, उसके पास सुपर 30 वाली बुक है और फिर भी तनिष सही आंसर दे रहा है। वेरी गुड तनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, व्हाट आर कॉल्ड प्रोप रूट। प्रोप रूट कल ही समझाया है मैंने, प्रोप रूट क्या होती है बताओ उनके बारे में। अरमान बताएगा, अरमान व्हाट इज प्रोप रूट। चलो आप बताओ,